अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम काफ़ी दिनों बाद नई वीडियो लेकर आ रहे हैं और आज हम इनसे सवाल करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको उन सवालों के जवाब आते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं बेटा? कुछ पढ़ते नहीं है? अच्छा, हम कुछ सवाल करेंगे, अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा जोर से बोलिएगा। इजाज़त है? अच्छा, ये बताएं कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक नाजिल किया है, कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ है? अच्छा, ये बताएं, आज चार आसमानी किताबें जो हैं उनके नाम बताएं आपको, कौन कौन से? अच्छा, ये बताएं कि कौन सी किताब कौन सी नबी पर नाजिल हुई? इंजील ये बताए कि कुरान पाक में कितने सिपारे हैं, ये पता है आपको? कुरान पाक में 30। अच्छा, कितनी मंजिलें हैं कुरान पाक में? 7 मंजिलें। अच्छा, ये बताए कि दुनिया के अंदर सबसे पहले जो नबी आए थे उनका नाम बता रहे हैं? अच्छा, सबसे आखिरी नबी का नाम बता दे मुझे, सबसे आखिरी नबी का नाम क्या है? माशाल्लाह। अच्छा, ये बताए कि हमारे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थी, ये नहीं पता? अच्छा, कलमे कितने हैं? कलमे टोटल कलमे कितने हैं? 6। आपको कितने आते हैं? 6। चलो पहला कलमा सुनाते हैं। इसका मतलब तर्जमा सुना देंगे आप हमें? अच्छा, ये बताओ मुसलमान पर कितनी नमाजें पढ़ते हैं? मुसलमान पर 5 नमाजें पढ़ते हैं। कौन कौन सी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। माशाल्लाह, आपको तो पता है। अच्छा, ये बताएं फजर में कितनी रकातें होती है? हमारा इनसे पूछने का और आपको बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज के जो हमारे जो बच्चे हैं छोटे, इनको हमारे इस्लाम के बारे में और हमारे दीन के बारे में मालूमात होनी चाहिए, इस वजह से हमें इनसे सवाल करें। और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, जो इनको नहीं आता वो हम इंशाल्लाह इनको बताएंगे और हो सकता है कोई नई चीज़ हमें इनसे सीखने को मिल जाए। अच्छा, आखिरी सवाल मैं इनसे ये करूँगा, उसके बाद हमारी तरफ से इनसे सीखने को मिल जाए। अच्छा, आखिरी सवाल मैं इनसे ये करूँगा, उसके बाद हमारी तरफ से इनको एक छोटा सा। अच्छा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम क्या था? माशाल्लाह। अच्छा, ये हमारी तरफ से अबू बकर को ये गिफ्ट दिया जा रहा है, जो इन्होंने सवाल माशाल्लाह से बहुत अच्छे सवाल के जवाब दिए हैं। कुछ नहीं आते थे वो कह रहे, इसमें इतना कोई मसला नहीं होता, कि अगर इतना भी कुछ आता है तो ये भी इनके लिए बहुत है। इनकी उम्र देखें माशाल्लाह कितनी है, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे सवाल के जवाब दिए। ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन ये इनके लिए, ठीक है? ठीक है, ओके, दुआ में याद रखें।